हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है इंडियन वे ब्लॉग चैनल पे। इससे पहले गाइस, मैंने आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें मुझे एक कमेंट आया है कीटो डाइट के ऊपर। उस वीडियो में मैंने कीटो डाइट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने अपना जो फर्स्ट टाइम वेट लॉस किया था वो कीटो डाइट से किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे अपना वेट से ज़्यादा फैट लॉस करना था, इसलिए मैंने कीटो डाइट की थी। मैंने उसके बारे में उस टाइम बहुत सारा रिसर्च किया था, बहुत सारी यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत जगह से उसकी जितनी हो सकती थी मैंने जानकारी ली थी। उसके बाद मैंने कीटो डाइट की थी। कीटो डाइट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पॉइंट वाइज पॉइंट, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने जब वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट होता था कीटो डाइट को लेके। मैं आपके सारे वो डाउट आज है क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, कीटो डाइट होती क्या है? जब सब इंसान कीटो डाइट स्टार्ट करेगा तो उसको कीटो डाइट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बस हमने सुन लिया, हमें नहीं स्टार्ट करना चाहिए। पहले अपनी बॉडी को जानना चाहिए, उसके बाद ही कीटो डाइट शुरू करना चाहिए। हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है तब हम कीटो डाइट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी डाइट जब स्टार्ट की थी मैंने नहीं कंफर्म किया था गैस, क्योंकि मुझे उस टाइम ना भूत सवार हो गया था कि मुझे अपना फैट है वो कम करना है। लेकिन मैंने इसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं किया था, और कीटो डाइट को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते हो। कीटो डाइट एक लिमिट के लिए है। आप वन वीक स्टार्ट करके देखो, या आपकी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल है, वीकनेस नहीं है, ज़्यादा एडजस्ट कर रही है, तब आप कर सकते हो इसे वन वीक, टू वीक। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 21 डेज किया था। कहते हैं कोई चीज़ या 21 डेज करते हो तो उसका असर होने लगता है, तो मैंने अपनी डाइट को 21 डेज किया था, 22 नहीं किया था, क्योंकि मैंने फिर उसको छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल खाने पर आना स्टार्ट कर दिया था। सिंपल भाषा में कीटो डाइट होती है लो कार्ब डाइट, जिसमें हमें फैट ज़्यादा कंज्यूम करना होता है एंड कार्ब होता है वो बहुत कम कंज्यूम करना होता है। हमारी इंडियन भाषा में हम बात करें तो हम इंडियन जो लोग होते हैं वो कार्ब ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इन सारी चीज़ों में होता है वो कार्ब हमारा ज़्यादा होता है, और हम इंडियन को वही पसंद होता है। बट अभी यदि आप कीटो डाइट पर आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। हमें सिर्फ अपने एक दिन की डाइट में सिर्फ 5 से 10% है वो कार्ब लेना होता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खा सकते हो आप सी फूड, मांस, मछली, अंडा एंड चिकन, ये सारी चीज़ें, एग, तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए नॉर्मल है। आप नॉन वेज पे हो तो इन सारी चीज़ों में वैरायटी है, आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हो। आप वेजिटेरियन है तब ये आ जाता है कि आपको क्या क्या खाना है, तब आपका रहेगा कि आप पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर, वो सब्जियां खा सकते हो जिसमें जो कार्ब है वो काफ़ी कम है, फाइबर की मात्रा है वो है, तो आप ये सारी चीज़ें हैं वो खा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन रहता है गाइस कि कीटो डाइट को हम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? तो कीटो डाइट को हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं ले जा सकते हैं। कीटो डाइट को एक लिमिट में करते हैं। जब आप शुरुआत करो तो वन वीक पहले अपना रिजल्ट आप देख लो, आपकी बॉडी पे क्या उसका असर हो रहा है, तब आप कीटो डाइट को आगे कर सकते हो। सजेस्ट करूँगी कि आप भी 20 डेज से ज़्यादा ना करो। 20 डेज में आप अपना चेक कर लो कि कितना वेट लॉस हो रहा है, कितना आपका फैट लॉस हो रहा है। उसके बाद आपका यदि रिजल्ट आपको कम मिला, आप कुछ दिन रुक जाओ, जैसे एक वीक के लिए आप रुक जाओ, आप नॉर्मल अपनी डाइट पे आ जाओ, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। बीच में आपकी बॉडी को भी सारी चीज़ें मिलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो सारी चीज़ों से ही चलती है। यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्ब की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो आप पहले 2 वीक कर लो या फिर 20 डेज करके देख लो, आपको जो रिजल्ट मिलता है उसके बाद आप नॉर्मल अपने डाइट पे आ जाओ, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बीच में आप कीटो डाइट में एक गैप दे दे के करो, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश मत करना गाइस। ये तो रहा कीटो डाइट के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो नॉन वेज नहीं खाती थी, फिर मैंने अपनी डाइट कैसे की? तो मैं अपनी डाइट आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करने वाली हूँ।
मैंने अपनी कीटो डाइट है वो जैसे आप लोग बताया कि उस टाइम मैं जॉब कर रही थी तो मैं सुबह वॉक नहीं कर पाती थी। मेरा ऑफिस जो था वो वहाँ पे मैं थोड़ा 1 किलोमीटर के अराउंड था, मैं थोड़ा वॉक करके जाती थी मैं, क्योंकि जैसे कभी स्कूटी से मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर देते थे तो फिर मैं ऑफिस तक जाती थी, नहीं तो मैं कभी जब ऑटो वगैरह से जाती थी तो मैं, मेरा जो ऑफिस है 1-1.5 किलोमीटर अंदर था तो मैं वो 1-1.5 किलोमीटर थी वॉक कर लेती थी। मेरी बहुत सिंपल सी जो थी रूटीन थी, मैं सुबह 6 बजे उठती थी, अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाती थी क्योंकि मेरा कीटो का रहता था तो मेरा अलग हो जाता था, मेरे हस्बैंड का अलग हो जाता था, तो इसलिए मैं सुबह कोई वॉक नहीं करती थी। मेरी वॉक ऑफिस के टाइम जाना और आने में हो जाती थी, तो मेरा सिंपल सा रहता था। मैं 6 बजे उठती थी, कभी कभी मैं सिर्फ गुनगुना पानी पीती थी, कभी कभी मैं नींबू वाला पानी पी लेती थी, कभी मैंने एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पी लेती थी, तो ये मेरा सुबह का रूटीन रहता था। उसके बाद मेरे नाश्ते में रहता था आपका 1 ब्राउन ब्रेड प्लस 2 एग, तो मैं उसमें कभी उसको ऑमलेट बना लेती थी, कभी सैंडविच बना लेती थी। मैं नाश्ता जो था वो हैवी करती थी क्योंकि मैं अपने लंच में ऑफिस में आप जा रहे हो, फिर मेरा बैठे बैठे पूरा काम होता था ऑफिस में तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, तो फिर मैं लंच में ज़्यादातर क्या करती थी, पनीर को रोस्ट करके ले जाती थी, कभी कभी सिर्फ पनीर को हल्का सा सॉल्ट के साथ ले जाती थी, या फिर कभी कभी सिर्फ बॉयल एग ले जाती थी, बाकी मेरा सिर्फ सिंपल सा इतना ही रहता था। या फिर जब सुबह मेरा नाश्ते में हल्का हो गया तो फिर मैं ऑमलेट और वो जो ऑमलेट या सैंडविच रहता था वो मैं अपने लंच में कर लेती थी। शाम को आके भूख लग जाती थी क्योंकि शाम को आप वॉक करके भी मैं आती थी और शाम को फिर भूख लग जाती थी, तो मैं अपनी मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी थी मैं ब्लैक कॉफ़ी सुबह पी के जाती थी, शाम को भी ब्लैक कॉफ़ी पीती थी आके। ब्लैक कॉफ़ी मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड की थी और मैं अभी तक ब्लैक कॉफ़ी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रखी हूँ। ब्लैक कॉफ़ी से जो फैट का बर्न का प्रोसेस रहता है वो थोड़ा फास्ट रहता है, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी अपनी डाइट में दोनों टाइम रखी थी, मैं सुबह पी के जाती थी, शाम को आके पीती थी। शाम को मेरा क्या रहता था गैस, या फिर मैं जो सारी वेजिटेबल है उनको फ्राई कर लेती थी, उसको अब ये सैलेड मान सकते हो आप, सैलेड के रूप में खा लेती थी या मैं मतलब ओनली वेजीज के रूप में भी खा लेती थी। ज़्यादा रहता था तो मैं उसमें मतलब पनीर को भी डाल लेती थी, तो शाम का मेरा रहता था कि जो भी मतलब वेजीज रहती थी, जो भी आपका पत्ता गोभी है, गोभी है, शिमला मिर्च है, इन सब चीज़ों का मैं सब्जी के रूप में बना लेती थी। सॉल्ट क्योंकि उसमें कोई आप ये नहीं है, ऑयल नहीं डाल सकते हो आप, मसाले यूज़ नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं एक फ्राई मसाले की तरह सब्जी बना लेती थी और नॉर्मल उसको खा लेती थी। उसके बाद शाम को सोने से पहले मैं एक बस आधा कप कॉफ़ी वाला जो कप आता वो आधा कप जो रहता था वो हल्दी वाला दूध पी के सो जाती थी, जिससे मैं रात को भूख ना लगे, क्योंकि रात में मेरी जब भूख लग जाती है तो मेरी नींद खुल जाती है और फिर मैं सो नहीं पाती हूँ तो फिर वो नींद डिस्टर्ब हो जाती थी, तो मैं दूध ज़रूर पी के सोती थी जिससे मेरी रात में नींद डिस्टर्ब ना हो। मेरी डाइट में कुछ भी ज़्यादा ऐसा इंक्लूड नहीं मैंने किया था, बादाम को भिगा के भी कभी कभी खा लेती थी। जो चीज़ मैंने आपको इस डाइट में बताई सिर्फ नॉनवेज को छोड़ के मैंने अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की थी। इधर से कभी लंच में कभी उधर हो जाता था क्योंकि मैं नाश्ता अपना प्रॉपर करके जाती थी। जो लंच मेरा होता था वो 2 बजे के अराउंड होता था, उसके बाद शाम को मैं 7 बजे आ जाती थी घर, तो मेरा 7:30 बजे तक मैं अपना डिनर कंप्लीट कर देती थी और 9-9:30 बजे तक मैं दूध पी के आराम से 10-10:30 बजे तक सो जाती थी। ये मैंने प्रॉपर अपना रूटीन 21 डेज तक फॉलो किया था। और मुझे कभी कभी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे सामने रोटी दाल सब्जी सारा कुछ खा रहे होते और मैं बना रही होती हूँ, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन जब अपने मन में आपने ठान लिया है कि आपको वेट लॉस करना है तो फिर आपको नहीं वो चीज़ें सोचनी होती कि नहीं मुझे खाना है। आप जो यार दिमाग में ये लाओगे कि नहीं मुझे खाना है, मुझे रोटी देख रहे हैं, मेरा मन कर रहा है, तो फिर वो चीज़ कहीं मन में आ जाती है, आपको चीट करने का मन करता है। मैं सच बताऊं गाइस, तो मैंने अपनी इस 21 डेज में कोई चीट नहीं की थी। मुझे बहुत कभी कभी क्रेविंग हो जाती थी रोटी खाने का, मन करता था, लेकिन मुझे था कि जब मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा फैट कम हो जाएगा, जब मैं देखने में थोड़ी अच्छी लगने लगूंगी तो मैं ये सब चीज़ें खा पाऊंगी। उस चीज़ को खाना है तो मुझे ये चीज़ करनी है, और मैंने 21 डेज प्रॉपर किया था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, जो लोगों का वेट नहीं कम हो रहा है वो लोग ट्राई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बट उनका वेट कम नहीं हो रहा है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो।
कीटो डाइट करने से पहले गैस आप अपनी बॉडी को जरूर चेकअप करा लें, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, आपको पीसीओडी की दिक्कत तो नहीं है, कोई भी यदि आपको दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही ये डाइट करें। ऐसे ही आप अपनी ये डाइट मत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी जो डाइट स्टार्ट की थी उससे पहले ही मेरा बॉडी चेकअप हुआ था। मैंने इससे पहले ही मतलब अपना जो मेरा वेट है वो जैसा बढ़ रहा था, तो मैंने पहले ही अपना थायराइड चेक करने आने की वजह से पहले ही अपने पूरा बॉडी चेकअप करा रखा था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस टाइम मेरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, सिर्फ 5% के अराउंड बढ़ा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें और कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने अपना पहले ही 2 महीने उसको कंट्रोल किया था, उसके बाद मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 1-2 दिन आपको शुरुआत में जब आप करोगे तो वीकनेस लगेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, और जब आप ये डाइट छोड़ें उसके बाद जब भी आप नॉर्मल डाइट पे आएँ तो धीरे धीरे करके आएँ, एकदम आप स्टार्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो जो वेट आपका लूज़ हुआ वो उतनी स्पीड से ही बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपका आंसर करूँगी। वीडियो पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों के साथ वेट लॉस रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी एंड साथ में आपके साथ शेयर करूँगी अपने चैलेंजिंग वीडियो रिव्यू के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो कीटो डाइट के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर उस पर आंसर कर दूँगी। या आपको कोई डाइट के ऊपर वीडियो चाहिए गाइस, या मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है तो मैं आपका उसे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।